नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉक्सवैगन कार्स का इंसर्ट रियर व्यू मिरर, जिसको ऑटो डिमिंग IRVM भी कहते हैं। आप देख रहे हैं सामने से, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये नाइट में काम कैसे करता है। बेसिकली आप सामने देख रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इसमें ये मैंने इसके सेंसर पे अपनी उंगलियों को लगा दिया है, जिससे कि ये डार्क ब्लैक हो गया है। अभी मैं यहाँ सर यहाँ से अपनी उंगलियों को हटा लूँगा। ये देखिए, अब ये पूरा मिरर इंटीग्रेट हो जाएगा। बेसिकली ये नाइट ड्राइविंग में काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी अच्छा काम करता है कि रियर की आ रही गाड़ियों का हेडलाइट का रिफ्लेक्शन आपकी आँखों पर नहीं पड़ता है, और आपको ये बार बार एडजस्ट भी नहीं करना पड़ता है जैसे कि आप मैनुअल में करते हैं। ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है गाड़ी के अंदर, अगर इलेक्ट्रिक IRVM दिया हुआ है तो। अब आप देख रहे हैं, मैंने कि आपको दो बार दिखाया हुआ है, फिर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको ये वैनिटी मिरर। ये भी आप, ये बेसिकली आपको वैनिटी मिरर जो है ये सन प्रोटेक्शन के लिए भी होता है कि सामने से या साइड से सनलाइट अगर आ रही हो तो वहाँ आप इसको ऑन करके उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मिरर भी इसमें दिया हुआ, आप देख भी सकते हैं। ये भी सन वाइज़र, यहाँ पे टिकट होल्डर भी दिया हुआ है। ये देखिए, मैंने अगर साइड से अगर मेरे को लग रही है धूप तो मैं इसको साइड में कर दूंगा, जिससे कि सनलाइट मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी या फ्रंट से आ रही सनलाइट मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग कहाँ कहाँ किस पोजिशन पर माउंटेड है। ये गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल मैंने दिखाया, जैसे कि ये सामने एक एयरबैग यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेयरिंग पे माउंटेड है। फिर दूसरा एयरबैग सामने डैशबोर्ड के ऊपर दिया हुआ है, जैसे कि देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है एयरबैग। देन तीसरा एयरबैग अगर आप देखें तो साइड के पिलर्स पे दिया हुआ है, जहाँ से सीट बेल्ट निकली हुई है। और चौथा एयरबैग अगर आप देखें तो इसी साइड की सीट में, ये देखिए, ये एयरबैग लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, ये साइड एयरबैग है। और जो पिलर पे दिया हुआ था वो कर्टन एयरबैग था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी कर्टन एयरबैग दिया हुआ है, जो कि पीछे तक ओपन होता है, पूरी दोनों विंडो को कवर करता है ये। एंड साइड का एयरबैग ठीक इसी तरीके से सीट में इंटीग्रेट किया गया है, इसीलिए आप इसमें कोई एडिशनल सीट कवर नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एयरबैग फिटेड है। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें लाइक एंड कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो ला सकें। थैंक यू।